वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल, एक तरीके का टूल होता है। यूज टू, किस लिए उसको यूज किया जाता है, किस चीज के लिए उसको यूज किया जाता है, किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को एक फ्रिक्वेंसी डोमेन फंक्शन में करने के लिए, मतलब टी को हमें एस बनाना है, ठीक है। दिस इज फ्रिक्वेंसी डोमेन, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। ये चीज़ें बेसिक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स की चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब एक पॉइंट आता है जो कि एक जेन्युइन पॉइंट है कि वाई, मतलब हमें चेंज क्यों करना है, क्यों ही चेंज करना है किसी भी फंक्शन को, अगर वो टाइम डोमेन में है तो हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्यों चेंज करना है। तो फंक्शन की एनालिसिस के लिए कुछ सॉल्व करना है, फंक्शन पर वर्क करना है, तो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए ऐसा होता है कि टाइम डोमेन पे उनका एनालिसिस या वर्क करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे नीड आती है कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में एंड देन फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर लाप्लास है तो इनवर्स लाप्लास होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे पास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज अनदर, एंड जेड ट्रांसफॉर्म या डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म वो डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, फंक्शंस के लिए, ये कंटिन्यूस के लिए सारी हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है गेट में जो आता है तो उसमें कहीं भी डिस्क्रीट का कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी कि क्यों हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो एक्स टी सपोज, ठीक है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है। तो लेट एक्स टी बी अ फंक्शन, ठीक है, एक टाइम डोमेन का फंक्शन है। अब हमको इस एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स टी। तो वेयर एल जो होता है तो वो क्या होता है, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है, ठीक है। मैं तो सारी चीज़ें ही बताऊंगा अगर मैं लेक्चर में बता रहा हूँ बेसिक से, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही है एल क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर होता है। तो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे तो जीरो से इन्फिनाइट, ठीक है, दिस इज यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, वन साइडेड मीन्स जीरो, इन्फिनाइट एंड माइनस इन्फिनाइट। जो आपका बाइलेटरल होता है वो आपका पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यूनिलेटरल इज ओनली वन साइडेड। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे यूज करी है, तो हम इंजीनियरिंग मैथ में ओनली यूनिलेटरल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे भी आपका जीरो से इन्फिनिटी है यूनिलेटरल है, ठीक है, वन साइडेड की ही बात कर रहे हैं, और जहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो टू साइडेड, ई रेज टू माइनस एस टी एंड देन अगेन एक्स टी अवर फंक्शन डी टी एंड ये आपका सॉल्यूशन। तो सिर्फ हमको एक सिंगल सी चीज़ करनी है, सिंपल सी सिंगल चीज़, कि हमको ई रेज टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करना है अपने। अब इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है, अपना जो सिग्नल है उसको हमको इंटीग्रेट करना है जीरो से इन्फिनिटी तक, एंड क्या करना है विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी। तो अपने इन दोनों टर्म को जीरो से इन्फिनिटी तक हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब तभी हमने डी टी लिखा है। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, जीरो से इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एक्स टी एंड डी टी, तो ये हमारा फॉर्मूला है। दो तीन चीज़ें हम और देख लेते हैं, वेयर एक्स ऑफ टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फंक्शन, इसको हम ऑब्जेक्ट फंक्शन भी बोलते हैं, एंड एक्स ऑफ एस, कैपिटल एक्स ऑफ एस आपका क्या है, इमेज फंक्शन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो एक कोई मिरर है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज पीछे बनी, तो जस्ट एक सेंस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड दिस इज योर इमेज फंक्शन। तो ये तो इतनी बात करी हमने, बाकी यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो मैंने बता ही दिया है, दिस इज यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बाकी आपके जो फंक्शन एक्स टी एंड एक्स एस है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पेयर। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आप एक्स ऑफ एस में लाप्लास इनवर्स लगा देंगे तो वो आपका एक्स ऑफ टी जनरेट कर देगा। तो
और ये तो है ही, हेंस दिस। तो ये आपका है, ये मेन बात है कि अगर आप, मैं इसको अलग भी लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज एक्स ऑफ एस। तो ए एंड बी, दिस ए एंड बी गिव्स अवर दिस रिलेशन, एक्स एंड टी आर इन पेयर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर, एक्स टी एंड एक्स एस, कैपिटल एक्स एस।